आज के इस वीडियो में सभी स्टूडेंट का वेलकम है। इसमें ऑल इंडिया स्टेट टेस्ट और वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन साइंस में बताया जा रहा है। टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को गैलीलियो लॉ भी कहते हैं। इससे फोर्स की परिभाषा मिलती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन की भी जानकारी प्राप्त होती है। ये इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हुए। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स का मेजरमेंट की जानकारी मिलती है। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम m इंटू ए भी कह सकते हैं, वेयर m इज मास एंड a इज एक्सेलरेशन। सीजीएस यूनिट फोर्स की है डाइन और एसआई यूनिट फोर्स की है न्यूटन। सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट में क्या रिलेशन है, तो वो है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 टाइम। जब इसके बारे में हम लोग प्रूफ करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 न्यूटन दिया हुआ है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 1 kg इंटू 1 m/s² 1 kg इंटू 1 m/s² बराबर हो गया 1 न्यूटन। 1 kg किसका यूनिट है, मास का यूनिट है, और 1 m/s² किसकी यूनिट है, एक्सेलरेशन की यूनिट है। 1 kg बराबर हो जाएगा 1000 ग्राम और 1 m/s² 1 मीटर में 100 cm होता है, cm/s². तो 1/5 0 और ग्राम cm/s² ग्राम cm/s² को हम लोग डाइन कहते हैं। यानी अगर आपसे कोई डाइन की परिभाषा पूछे तो 1 ग्राम = 1 ग्राम × 1 cm/s². इस प्रकार ये रिलेशन प्रूफ हो गया। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, जैसा कि आप जानते हैं कि ईच एंड एवरी एक्शन देयर एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये नेचर ऑफ फोर्स के बारे में बताता है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट डिलीवर किया है साइंस।